नमस्कार, और फिर एक बार स्वागत है आपका राग परिचय में। आगे बढ़ते हैं जैसे हमने तय किया था, राग गावती के साथ में। फिर रेफरेंस लेंगे पिछले राग का, जो था हेमंत। हेमंत जो था और हमने कहा था कि उसका जो अंतिम फ्रेज था उसको वैसे ही रखेंगे और गावती की तरफ जाएंगे। गावती में क्या हो रहा है? बहुत अलग हो जाता है। अब देखते हैं थोड़ा नजदीक से क्या क्या फर्क हो रहा है। पहला तो बड़ा फर्क यह है कि शुद्ध निषाद की जगह में कोमल निषाद आ रहा है। इसके बजाय अब इससे लगता तो यह है कि हम वापस रागेश्वरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बाद में जो होता है धैवत और फिर पंचम अवरोह में जिस प्रकार से लग रहे हैं, भीम पलाश की याद दिलाता है ये। थोड़ा विस्तार से अगर देखते हैं निषाद केवल आरोह में है और वो भी षड्ज से लग के आ रहा है। मध्यम का प्राबल्य दिखता है कभी कभी, नि सा गा म प गा म रे, नि सा प गा म रे सा, वक्र रूप से आ रहा है पंचम से। वैसे ही जब ऊपर जाएंगे दैवत की तरफ दैवत से द मा प गा म रे सा, फिर ऊपर जाने के लिए गावती
गंधार से जब निकलते हैं पानी सादा पा, दैवत केवल अवरोह में उत्तरांग में बहुत भीम पलास की याद दिलाता है, बल्कि गावती का दूसरा नाम भीम भी है, भीम नाम से भी यह जाना जाता है। पूरा संचार देखते हैं इसका। बंदिश सुनते हैं राग गावती में, तीन ताल में निबद्ध है। बंदिश शुरू करने से पहले थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ अपने कोर्स की, जो ऑनलाइन कोर्स है एक्सप्लोरिंग नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। इस कोर्स में अब मैंने बांसुरी के ऊपर सारे एक्सरसाइजेस अपलोड कर दिए हैं, तो हमारे सारे बांसुरी वादक मित्र जितने हैं वो बांसुरी के ऊपर एक्सरसाइजेस को फॉलो कर सकते हैं। कोर्स में सारे कॉन्सेप्ट्स भी समझाए गए हैं। कोर्स इंग्लिश में जरूर है लेकिन बहुत सरल भाषा में है, जरूर देखिएगा। www.ragasphere.com जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर आपको इस कोर्स की लिंक मिलेगी।